एमरेलिस एक सुंदर रंगीन फूलों के लिए जाना जाता है। कलरफुल फ्लावर इसमें आते हैं, आप अपने घर के अंदर बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं फिर से आ गई हूँ अनन्यास कॉर्नर में, आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अपडेट रहेगी, ये कुछ क्लिपिंग जो मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को दिखलाया था, तो ये वही क्लिपिंग है और इसके साथ ज़रूर आप लोग बने रहिए, अपडेट मैं दिखाती रहूँगी। तो मैंने आप लोगों को बतलाया था किस तरह से मेरे प्लांटर सूखे पड़े थे, मैं टेरेस से सारे प्लांटर को लाई थी, फिर मैं कलर किया था, पेंट किया था, वो वीडियो में मैंने डाला था। उसके बाद ये प्लांटर एकदम सूखा पड़ा था, तो मैं थोड़ा सा अपना डेविल्स बैकबोन के जो कटिंग थे मेरे पास जो प्लांटर में था, उसकी कटिंग मैंने यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद ही ये चमत्कार हो गया, क्योंकि मैं एकदम भूल ही गई थी इसमें मेरे लिली के, अमरलिस लिली के बल्ब पड़े हुए थे। तो चलो अच्छा ही हुआ, मेरे रहते रहते पूरा फ्लावरिंग इसमें हो गई और अब मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आगे भी इसकी अपडेट और रहेगी, आप लोग प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। तो एमरल्ड लिली को आप लोग अभी भी ग्रो कर सकते हैं, इसके बल्ब आसानी से मिल सकता है, ऑनलाइन मिल सकता है, अपने आप नज़दीकी नर्सरी से इसे मंगवा सकते हैं। बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाता है और ये पेरेनियल होता है, इसके बल्ब लेकिन सालों साल बने रहेंगे आपके प्लांटर में। और देखिए सारे खिलने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ये। आप पिछले बहुत सारे वीडियो में, आपने लास्ट ईयर के वीडियो में एमरलस लिली के बहुत अच्छा गार्डन मेरा देखा होगा, लेकिन अभी तो वो गार्डन है नहीं, बस जो बल्ब मेरे पास इसमें पड़े हुए थे इस प्लांटर में, तो आज 2 साल पहले मैंने लगाया था वही पड़ा हुआ था। मैं भूल गई थी कि इस प्लांटर में क्या है, क्योंकि ये टेरेस में था, इसमें पानी भी नहीं दिया जा रहा था, एकदम तो सूखा पड़ा हुआ था। मैं जैसे प्लांटर में कलर किया, डेबल्स बैकबोन की कुछ कटिंग लगाए, पानी दिया और इस तरह से ये अपने आप ही लिली के बल्ब शूट हो गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए इस तरह से खिलते हैं, कलर बहुत होते हैं, तो आप ज़रूर इसे लगाइए, बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाता है। इसके पॉटिंग में इसके समय आप ज़रूर इसमें कंपोस्ट थोड़ी सी दे दें और मिट्टी के साथ आप बालू भी ज़रूर लगाएं। मैंने एक और प्लांटर आपको दिखा रही हूँ, इसके बगल में ही आप, मैं दिखा रही हूँ, देखिए इसके बगल में ये प्लांटर देखिए, इसमें भी बल्ब था, मुझे बाद में याद आया, तो मैं इसमें फिर पानी देती गई और मैंने, हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा हल्के कंपोस्ट दे दिया था, क्योंकि शूट भी निकलने लगा जब मैं थोड़ी सी कंपोस्ट दे दिया, और फिर देखिए हल्के हल्के पानी देते गई तो इस तरह से शूट निकला है। इसमें भी फ्लावरिंग हो ही जाएगी, शायद मैं निकल चली जाऊंगी, उसके बाद इसमें शूट आ जाएंगे। तो देखिए इसमें पत्तियां जो है ना, ये बल्ब मैच्योर नहीं थे इसीलिए इसमें पत्तियां निकल आई हैं, और जो बल्ब मैच्योर होते हैं उसी में से ये शूट निकल आते हैं और फिर फ्लावरिंग होती है, स्टिक जो निकलते हैं मैच्योर बल्ब से ही। तो छोटे बल्ब अगर लेंगे आप तो इसमें तो अभी इस साल तो इसमें फ्लावरिंग होगी नहीं, पत्तियां निकल आएंगी। कुछ वंडरिंग जीव का मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि अभी इसमें चूंकि कंपोस्ट दिया हुआ है, मिट्टी भी गीली है और ये सारे प्लांटर मेरे ऐसे सूखे ही पड़े रहते हैं, चलो अच्छा है तो वो भी लग जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से मेरे सारे एमरलिस खिल गए और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसके खिलते खिलते मैंने इसमें भी पानी देना शुरू किया, तो वो जैसे खिलना ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें से भी खिलना शुरू होगा। तो आप भी जब ये मरलिस लगाए ना, कुछ गैप के बाद ही लगाए, कुछ बल्ब अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें हाफ आप पहले ग्रो कर लीजिए, फिर 7-8 दिन बाद या 2 वीक्स के बाद आप फिर ग्रो कीजिए जो हाफ बल्ब आपके पास रहेंगे। तो इससे अच्छा होता है एक बंच आपके पास खिल जाएंगे तो फिर दूसरा भी खिलते रहेगा, तो अच्छा है। और एक स्टिक में 4 या 5 फ्लावर तो होते ही है, हो ही जाते हैं। तो मेच्योर बल्ब ले, पॉटिंग मिक्स अच्छी रखे, ड्रेनेज होल को सही रखे, ड्रेनेज होल को सही रखना भी अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बल्ब होते हैं तो बल्ब रॉट ना हो जाए, इसलिए ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कीजिएगा और पानी दे के ही दीजिएगा। हाँ हल्की सनलाइट में अगर रखे तो अच्छा होता है मरलिस के लिए, क्योंकि इसके नहीं तो फूल थोड़ा सा फेड हो जाता है, इसका कलर फेड हो जाता है। तो मैं तो यहाँ नीचे उतारी हूँ, जब पूरा फ्लावर खिल गया तो मैं फिर इसे वही खिड़की के पास में रख दूंगी, मैं वीडियो को बनाने के लिए फिर मैं यहाँ पे लाई हूँ और मैं वहीं पे रख के फिर मैं चली जाऊँगी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, फ्लावर कैसा लगा ज़रूर बतलाइएगा, कॉमेंट कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके, बेल ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करके। मैं अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।